नमस्कार, मैं सुबोध मंडल। आज सुबोध मंडल लाइव क्लासेस की पहली वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और आत्मिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं का जो सुबोध मंडल लाइव क्लासेस की पूंजी हैं, कैपिटल हैं, और जो अपने बेहतरीन कैरियर को तराशने के लिए सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से पिछले एक वर्ष से जुड़े हुए हैं और फिर उन जिज्ञासुओं का जो किसी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, परीक्षा में बैठने की उम्र को पार कर चुके हैं, किंतु ज्ञान के प्रति ललक अभी भी उनमें बाकी है और इस कारण से बिहारी के किसी दोहे का आनंद लेने के लिए या विद्यापति के किसी पद का रसा स्वादन करने के लिए सुबोध मंडल लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं। और फिर मेरे उन सभी शुभ चिंतकों का जो मेरे इस कार्य की उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा करते हैं और मेरे हौसले को बढ़ाते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, उन सभी का सुबोध मंडल लाइव क्लासेस एक बार फिर हार्दिक स्वागत और आत्मिक अभिनंदन करता है। आप देखेंगे आज ही के दिन पिछले वर्ष 2020 की 5 जुलाई को भाषा पर एक वर्ग जो है मेरा YouTube पर अपलोड हुआ था। जुनून था, अंतर्विरोध तो होते ही हैं, लेकिन जो चरित्रवान होते हैं, जो कर्मठ होते हैं, उन्हीं अंतर्विरोधों में से ऊपर उठ कर के सामने आते और चमत्कार कर जाते, परिस्थिति को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और फिर अपनी कर्मठता से उस पर विजय प्राप्त करते। इसीलिए आप सबने सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के वर्गों को निष्ठापूर्वक, लगन पूर्वक देखा, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया और लाइक तो किया ही किया। और इसके लिए एक बार मैं सुबोध मंडल आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में विश्वसूत्री कार्यक्रम चलाया था और उसमें का एक नारा यह भी था, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तभी से यह बात मेरी जेहन में बैठ गई है और मैं
सबको यही कहता हूँ, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान में रखना है, मैं मनोवैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाता हूँ, लेकिन केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही पढ़ाता रह जाऊं तो यह ऐसे ही होगा जैसे घर बनाने में केवल ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हों, उसमें सीमेंट बालू का गारा नहीं दिया जा रहा, या फिर मिट्टी का ही गारा नहीं दिया जा रहा। तो ईंट जो है एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, और यदि दीवार ही बना रहे हों तो दीवार जो है पुख्ता नहीं होगी, पुष्ट नहीं होगी, मजबूत नहीं बनेगी। और घर बना रहे हैं तो बात ही क्या कहना। तो शॉर्टकट की बात जो है, मन्नू भंडारी 3 मिनट में, अब बताइए 3 मिनट में मन्नू भंडारी को कितना पढ़ा लेंगे कोई भी, और क्या क्या पढ़ाएंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं तो गणित का छात्र रहा हूँ और कुछ नहीं बनना चाहता था, गणितज्ञ ही बनना चाहता था, और कोई इच्छा नहीं थी मेरी। लेकिन गृहस्थी की चक्की में पिसकर आदमी क्या से क्या बन जाता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने आपसे बात कर रहा है। यह प्रतिभा को लील लेती है, ध्यान में रखना है। इसलिए विद्यार्थी के लिए गृह त्यागी विशेषण बताया गया, घर में रहना है लेकिन घर की समस्याओं में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, तब आपका मस्तिष्क जो है वह डाइवर्ट हो जाएगा और आप पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा सकेंगे। तो यह है प्रतिभा जो है, ये नमक रोटी की चिंता जो है वह प्रतिभा को लील लेती है, गृह का कलह जो है प्रतिभा को लील लेता है, यह समझना है। तो कलह आदि के वातावरण से दूर रहना है। मैं देखता हूँ वो बहस वगैरह, बहस से कुछ नहीं, आप ही बहस वीर रहिए, बहस वीरों को दोनों हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि बहस का कोई अंतिम परिणाम नहीं आता है। जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसी तरह से दो बातों के बीच में अनंत बातें होती हैं। बातों को मैं परिमेय संख्या कहता हूँ, और बात को ख़त्म करना हो तो एक तरफ से बात बंद कर दीजिए, बात अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी टेक्निक है जिसको मैं उपयोग में लाता हूँ, और इस तरह से अपना समय बचाता हूँ, अपना तनाव जो है वह दूर रखता हूँ अपने से। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात यह मैंने बताई कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक। दूसरी बात, निष्ठा अत्यंत आवश्यक है, ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि आप ईमानदारी नहीं बरतते हैं अध्ययन करने में, और अध्ययन ही पूजा है आपके लिए, तो आप खुद को धोखा दे रहे होते। खुद को नहीं धोखा देना है, खुद के प्रति बहुत ही वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, निष्ठावान रहना है। और निष्ठा के साथ यह भी बात जुड़ी हुई है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। और साथ में यह भी मैं कहा करता हूँ, ज्ञान ही जीवन है,
नॉलेज इज लाइफ, और ज्ञान के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, यह अच्छी तरह से समझ रखना है। मैं आपका समय अधिक नहीं लूँगा, मुझे पता है आपका समय बहुमूल्य है, और मैं इसीलिए कम से कम शब्दों में और जिस बिंदु पर बात करनी होती है उसी बिंदु पर बात करता। मैं यह नहीं कि टॉपिक यह बता दिया और फिर वो दूर की कौड़ी खोजने लग गए, ये काम नहीं करता। मैं देखता हूँ लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, है ना। ये किस्सा हाथी मताई और श्री फरहाद, ये सब क्लास में मैंने आज तक नहीं बताया, क्योंकि उससे क्या होता है कि वर्कलोड बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये टॉपिक मुझे बताना है और उसको टालता रहूँगा तो अंत में बताना तो मुझे ही है, और समय की कमी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा कि जैसे तैसे करके उसको निपटा दूँगा, तो ये काम अच्छा नहीं होता है। ये काम अच्छा नहीं होता। छोटा होता है, उनकी मंजिल कभी ऊंची नहीं हो सकती है, उनकी मंजिल कभी बुलंद नहीं हो सकती। और जिनका सफ़र लंबा है उसको ऊंची मंजिल मिलती है। आपको सब्र बनाए रखना होगा, आपको सब्र बनाए रखना होगा, धीरज बनाए रखना होगा, पेशेंस को बनाए रखना होगा, पेशेंस को लूज नहीं करना होगा, धैर्य को नहीं छोड़ना होगा। जो बल्लेबाज पिच पर टिका रहता है वो फिर रन रेट मेंटेन कर लेता है, तो इसीलिए आप धीरज बनाए रखेंगे, बहुत जगहों से उदाहरण लेंगे, बहुत जगहों से सीखेंगे, बहुत लोगों से सीखेंगे। और मैं तो छोटे छोटे बच्चों से सीखता हूँ, कामगारों से सीखता हूँ, हर किसी से सीखता हूँ। ज्ञान अनमोल होता है, तो ज्ञान के लिए मैं बहुत ही वाचफुल रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। तो जिनका सफ़र छोटा होता है उसकी मंजिल भी ऊंची नहीं होती है, और जिसका सफ़र लंबा होता है उसकी मंजिल ऊंची होती है। और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपका सफ़र लंबा होता जा रहा है, तो दो बातें हैं, या तो आप में निष्ठा की कमी है। अगर आप में निष्ठा की कमी नहीं है तो प्रभु ने आपके लिए बहुत बुलंद मंजिल जो है तय कर रखी है, इसीलिए आप उस रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी मंजिल जो है बहुत ही ऊंची होगी और बुलंद होगी, यह ध्यान में रखना है। यह मैंने बताया, श्रद्धा रखनी होगी ज्ञान के प्रति और गुरु के भी प्रति। जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं तो उस डॉक्टर में श्रद्धा नहीं होगी तो दवा कम असर करेगी या असर नहीं करेगी, यह मनोविज्ञान कहता है और यह सही भी है। तो ध्यान में रखना है, श्रद्धा के बिना तो बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह है, आप इसी तरह से जुड़े रहिए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए। यहाँ व्यापक और यथार्थ ज्ञान ही दिया जाता है, और वो कच्चा पक्का ज्ञान नहीं दिया जाता है, यह ध्यान में रखिए। और ध्यान से जुड़े रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और आप एक बुलंद मंजिल को प्राप्त
करेंगे। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।